हेलो फ्रेंड, आप देख रहा है गुड रॉक लर्निंग और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल का लेटेस्ट नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो टीवी फॉल्ट रिपेयर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीवी ऑन करके टीवी का क्या फॉल्ट है ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया और टीवी का जो प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं वही प्रॉब्लम। टीवी का लाइट बहुत ही कम है, लो लाइट, यही प्रॉब्लम है टीवी का। तो फ्रेंड, टीवी का प्रॉब्लम तो देख लिया, बहुत ही लो ब्राइटनेस प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम होने से टीवी कैसे रिपेयर करना है यही आज इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले ईस्ट का जो सारिन है इसे एडजस्ट करके हम टीवी स्क्रीन का ब्राइटनेस 12 कमा कर सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम होने से सबसे पहले ऐसे करके ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बढ़ाने से यहाँ पर रिटेस लाइन आ जाता है टीवी डिस्प्ले में, तो यहाँ से ठीक नहीं होगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ईस्ट सारिन घुमा कर बढ़ाने से ही टीवी स्क्रीन में डिस्प्ले में रिटेस लाइन आ जाता है। तो ऐसा होने से समझना चाहिए, तो ईस्ट से ऐसा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम होने से आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड, ऐसा कंडीशन में आपको जो करना है वो है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है। ये जो फॉल्ट हुआ है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, ईस्ट से जो एबीएल आउट होता है, एबीएल आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो जो सप्लाई मेन आईसी तक जाता है एबीएल, तो फ्रेंड हमें एबीएल आउटपुट सेक्शन ही चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं एबीएल आउटपुट सेक्शन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ईस्टी का पार्स ही है एबीएल आउटपुट सेक्शन, ये है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगी रहती है एबीएल आउटपुट सेक्शन में। आप देख सकते हैं एक अच्छे और एक जल गया, और यही रेजिस्टेंस की वजह से ही एबीएल सप्लाई हमारा मेन आईसी को मिलता है। और यहाँ का दोनों रेजिस्टेंस से एक है 82 के जो यूज़ होता है एबीएल सप्लाई मेन आईसी को देने के लिए, और एबीएल सप्लाई ठीक से मेन आईसी तक पहुँचा काम करे इसीलिए 3.3 के से यूज होता है जो 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। अब मैं सर्किट को उल्टा करके दिखाता हूँ एबीएल सप्लाई कहाँ से आता है। तो आप देख सकते हैं ईएसटी का पिन से, यह है ईएसटी का पिन। तो आप देख सकते हैं यही पिन से एबीएल सप्लाई आता है 1.5 के रेजिस्टेंस की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरफ से आता है, यहाँ से यहाँ का एक रेजिस्टेंस जो 82 के, यहाँ से मेन आईसी तक मिलता जाता है एबीएल सप्लाई। और ये ठीक से काम करने के लिए एक रेजिस्टेंस की वजह से सप्लाई देना पड़ता है, वो है 3.3 के रेजिस्टेंस। यहाँ से 3.3 के रेजिस्टेंस की वजह से एबीएल को 5 वोल्ट सप्लाई देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यह 5 वोल्ट सप्लाई का वायर है जो ट्यूनर के पास रहती है 5 वोल्ट सप्लाई, आप देख सकते हैं। और यही रेजिस्टेंस की वजह से 3.3 के, इसकी वजह से ही हमारे एबीएल सप्लाई ठीक से काम कर पाते हैं। और अब तो हमें पता चला रेजिस्टेंस देख के ही जो जल गया, तो वही फॉल्टी नज़र आ रहा है। तो 3.3 के यही रेजिस्टेंस ख़राब होने का संभावना बहुत है, तो इसे सर्किट से निकाल कर चेक करना है हमें सबसे पहले। तो चलिए सर्किट से 3.3 के रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे मीटर से चेक करना है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यही रेजिस्टेंस जल गया जो जिसका वैल्यू है 3.3 के। इसकी वजह से हमारा एबीएल सप्लाई ठीक से काम कर पाते, जो 5 वोल्टेज सप्लाई मिलता है एबीएल सप्लाई को, तो इस रेजिस्टेंस जल गया। तो इसे हमें चेक करना है मीटर से। तो आप देख सकते हैं मीटर से कोई शो नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जल गया और काटा हुआ है, इसलिए ये मीटर से टच करने से शो नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू है 3.3 के, लेकिन ये ख़राब होने से ये शो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें नया रेजिस्टेंस डालना है 3.3 के। और ये है नया रेजिस्टेंस 3.3 के। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू दिखा रहा है 3.3 के। यहाँ का जो रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी थी वो तो मैंने चेंज किया, तो आप चलिए देख लेती है अभी क्या इसका क्या कंडीशन है, टीवी ठीक हुआ क्या नहीं, चलिए देख लेती है। तो आप देख सकते हैं टीवी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ख़राब थी इसलिए पिक्चर लो लाइट थी, लो ब्राइटनेस प्रॉब्लम थी। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।